जब जीसस राजा जयरस के घर से निकले, तब दो अंधे इंसान उनका पीछा करने लगे। सुनो डेविड के बेटे, जरा अपनी कृपा हम पे भी करो और हमारी दृष्टि हमें लौटा दो। तुम्हें मुझ पर विश्वास है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हारी दृष्टि लौटा सकता हूँ? जी मेरे हुजूर। फिर उन्होंने उनकी आंखों को छुआ और कहा, मुझ पर आपका जो विश्वास है बिल्कुल वैसा ही हो जाए। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और वो देख सकते थे। ओह मेरे मालिक, अब मैं आपको देख सकता हूँ। क्या अजूबा है, मैं भी देख सकता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है किसी से भी ना कहना। ये कहकर जीसस उस जगह से चले गए। जानते हो, जीसस ने हमारी दृष्टि हमें लौटा दी। वो मेरे ईश्वर हैं, मैं उनकी पूजा करूंगा, उनकी वजह से मैं दोबारा देख पा रहा हूँ। पूरे देश में उन्होंने जीसस का प्रचार किया। एक बार जीसस और उनके डिसाइपल जेरिको से दूर जा रहे थे, जिनके पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी। सड़क के किनारे एक भिखारी बैठा हुआ था, जिसका नाम था बार्टिमियस। ऐसा लगता है बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है, यहाँ हो क्या रहा है? नाजरेत के जीसस यहाँ से गुजर रहे हैं, वहाँ देखो। जीसस, डेविड के बेटे, मुझ पर कृपा दिखाइए। मत बुलाओ उन्हें। लोगों ने उसे चिल्लाने से मना किया, पर वो चुप नहीं बैठा। उसने ठान लिया था कि जीसस से वो मिलेगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। पास आओ, तुम जरा मेरे पास आओ। वो अंधा जीसस के करीब जाने लगा। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे मालिक, क्या मैं इस दुनिया को देख पाऊंगा? और जीसस ने उससे कहा, आगे बढ़ते चलो, जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। जैसे ही जीसस ने ये बात कही, उसे अपनी दृष्टि पलक झपकते ही मिल गई, और बिना रुके वो जीसस की तारीफ करने लग गया। शुक्रिया मालिक, आपकी तारीफ जितनी करूं कम है मेरे हुजूर।